एक एक भी नहीं, हजारों लाखों में ये कैसा मिलेगा यार? मेरे को नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं ऐसे स्केटिंग करता हूँ, जहाँ मन करता है वहाँ पे करने लगता हूँ, क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ ना, इसलिए करके। लेट्स गो। चार्जर 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर होगा? हाँ। अच्छा, वायरल हो? वायरल तो नहीं हो रहा है, लेकिन व्यूज वगैरह आ जाते थोड़े बहुत। यार ये तो 50 के स्पीड में चल रहा है। 13,000 सब्सक्राइबर। शिवम वर्मा स्केटर। स्केटर ये अपना कैमरा हो गया है गाइस डाउन, मतलब अपना कैमरा डाउन वगैरह हो गया, तो आज का वीडियो यही। अंदाजा भी नहीं कि मैं कितने किलोमीटर तक स्केटिंग करने वाला हूँ, बिकॉज लेट्स गो। और आज मैं फिर से कैमरे से वीडियो शूट कर रहा हूँ। आई डोंट नो कैसी क्वालिटी आ रही है, बट हाँ आई होप सही आ रही होगी, बिकॉज गाइस कैमरे से ना ये कंफर्टेबल रहता है भाई। हाँ भाई रुकी, आओ जल्दी आओ, बताओ भाई क्या समस्या है। लेट्स गो गाइस। राइड करने में तो मजा तभी आता है जब भाई, और गाइस कुछ पता मेरा मन कैसा हो गया है, मेरा मन ऐसा हो गया है कि मैं स्केटिंग करने का मन ही नहीं करता भाई। यू नो पब्लिक में मेरे को शर्म सी लगती है, और मैं एक तरफ ये भूल जाता हूँ कि इट्स माय वर्क ब्रो, बट हाँ स्केटिंग पहन लो तो ऐसा लगता है कि मेरे अंदर और कोई भी है। ये है कि वो डिपेंड करता है कि हमें जाना कितनी दूर है इस तरीके से करके, बट हाँ 10 किलोमीटर वही मैं 10 किलोमीटर पहुँचा दूंगा वही 25 मिनट में, लगभग 25-30 मिनट में। I hope enjoy this video and every moment, because मैं तो अपना यार तुम लोगों को बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, because this is my work. So आज की जो राइड होने वाली है, you know मेरे को खुद नहीं पता कि मैं कहाँ चलने वाला हूँ, किधर के साइड में चलने वाला हूँ, because आज की जो मैं वीडियो आप लोगों को देना चाहता हूँ ना, बहुत ही अमेजिंग। तो बस अभी मैं वहाँ से स्केटिंग वगैरह करते करते आ गया इस लोकेशन पे, बिकॉज ये लोकेशन में आप लोगों को जब भी इधर की वीडियो में आता हूँ तो मैं हर बार दिखाता हूँ आई थिंक, क्योंकि गाइस ये मेरा फेवरेट प्लेस है। मैं गाइस आप लोगों को एक और बात बता दूँ, ये आपका फेवरेट है, और कमेंट में बताना गाइस नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, बिकॉज गाइस जब भी वीडियो वगैरह करता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि मैं आप लोगों के टॉपिक पे वीडियो वगैरह बनाया करूँ। थैंक यू ब्रो, कमेंट पे वीडियो वगैरह बनाया करो, बिकॉज अच्छा लगता है ना यार। सो लेट्स जय बाबा की गाइस, मार दे गाइस अमेजिंग वाली, चल ले भाई स्पीड मैन। अमेजिंग वर्मा, थैंक यू ब्रो, गाइस अमेजिंग मैन रिएक्शन देते भाई। तो कैसे जो रोड घोषगंज से मल्लाओं की तरफ जाती है, ये रोड आधी तो सही है बट कहीं कहीं पे बहुत खराब है। अभी आ गया है एक गांव और अपन मार देते हैं स्पीड गाइस। सो रेडी टू रन, आज संजोता इधर निकले हैं, वैसे इधर के साइड में निकलते थे यार, और मेरे को भाई देख के वो लोग बहुत कड़े रिएक्शन देते हैं। और गाइस मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि भाई म्यूजिक के साथ में जब स्केटिंग करो ना भाई, तो अलग ही वाइब आ जाती है ना, डबल एनर्जी, मतलब सीरियसली मैं कभी कभी तो फील करता हूँ यार इन सब चीज़ों को कि पीने वाले हैं, और सीरियसली उधार भाई यहाँ पे, वैसे मैं इस टंकी पे एक बार पहले भी आ चुका हूँ। हाँ भाई पानी तो पीना है ना यार। इधर इधर के साइड में जाना है मेरे को, ये जो नए गांव से इधर के साइड में रोड जाती है। हाँ भाई हालचाल बताए, देखो बिल्कुल पूछो। मैं YouTube पे वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। वीडियो बना रहे हो? वायरल हो? वायरल तो नहीं हो रहा है, लेकिन व्यूज वगैरह आ जाते थोड़े बहुत। ये तो मेरे को भी नहीं पता मैं कहाँ तक जाऊँगा, और मैं सीरियसली बता रहा हूँ भाई,
मैं पसीने में भीग गया हूँ पूरा का पूरा, तब पसीना तो निकलता है यार मेहनत करते समय, यू नो स्केटिंग स्केटिंग करते समय जेन्युइन चीजें हो जाती हैं। अभी आ गए पर अच्छी रोड पे, अब यहाँ से हम लोग इंटर करने वाले हैं गाइस पब्लिक वाले एरिया में। बस मैंने तुमको बोला था ना अभी मैं आ गया हूँ पब्लिक वाले एरिया में। वैसे आज इसके अभी के टाइम पे धूप हो रही है ना, अभी के समय यहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, और उसके साथ मार्केट थी, आज मार्केट भी नहीं यहाँ की है, तो यहाँ पे थोड़ी भीड़ कम हो रही है गाइस। अमेजिंग मैन गाइस, मेरे को किधर की साइड पे चलना चाहिए यार, मैं पहले यहाँ पे रुकता हूँ बैठ के अरेस्ट करता हूँ अंकल के पास में। आज मैं तुम्हें चला के दिखाता हूँ ठीक है अंकल। गाइस मैं इधर से वापस हो जाऊंगा थोड़ा आगे से, क्योंकि गाइस यहाँ की जो इधर की जो रोड है ना गाइस वो खराब है थोड़ी, मतलब यू नो खराब वाली है ना थोड़ा थोड़ा करके तो मेरे को यहाँ से वापस हो जाना चाहिए थोड़ा आगे से। अंकल ने बोला मेरे को चला के दिखाओ, तो मैंने बोला क्यों ना चलो आपको इसमें चला के दिखाता हूँ। फिलहाल अंकल पीछे ही है अभी, उस दिन जब मैं ब्रेक हुआ था ना तो मैं इधर ही से ब्रेक हुआ था पीछे को, और आज मैं इधर की साइड में सीधे चलने वाला हूँ। सो रेडी टू रन। इसमें मीटर नहीं चलता क्या? मीटर नहीं चलता है, कमाल है गाड़ी। नाम क्या भाई तुम्हारा? आरसिफ। मैं यूट्यूब पे वीडियो बना कर आऊंगा तुमको, ठीक है? शिवम वर्मा स्केटर, तुम भी वीडियो में आ जाओगे। मेरे को नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं ऐसे स्केटिंग करता हूँ, जहाँ मन करता है वहाँ पे करने लगता हूँ, क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ ना इसलिए करके। 13,000 13,500 है सब्सक्राइबर, तो उधर के साइड में अपन लोग निकल चलेंगे। थैंक यू ब्रो, यूट्यूब पे देख लेना। ओके ब्रो, शिवम वर्मा स्केटर। तो ऐसे ब्रेक भी मारते हैं? वेरी गुड भैया, ऐसे ही चलाते हैं अंकल यार। फिर तो 50 की स्पीड अब चल रहे ना। हाँ बोला तो था मैं 40 तक खींच देता हूँ। बताओ भाई हम तो बताओ कहे बोलो, लाइक करो सब्सक्राइब करो। भैया बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। बताइए ये सिस्टम जो है किसके बस की बात है? ये ना अंकल यहाँ पे गांव में लोग बहुत कम करते हैं ना, रियल चीजें हैं, लोग बहुत देखते हैं इन सब चीजों को यहाँ पे। मैंने वैसे ये सब चीजें मेरे को अपने आप सीखी है अंकल, अपने आप सीखा है मैंने, लोग इसको सीखने के लिए ईमानदारी से बता रहा हूँ, हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ आपको। एकेडमी नहीं हजारों लाखों में एक ऐसा मिलेगा यार, क्या बात करता है, जितना स्मार्ट लड़का हो चल सकता है। शिवम वर्मा स्केटर, माइक पे बोल दो तब भी आ जाएगा ठीक है अंकल। हाँ शिवम वर्मा स्केटर। स्केटर तो ये रहने वाले गौसगंज के? नहीं मैं गौसगंज में रहता नहीं अंकल, गौसगंज में रहकर मैं पढ़ाई करता हूँ। वाओ व्हाट इज द डम ब्रो, गाइस ये पड़ गई है मोर, और यहाँ के आगे पढ़ने वाला है गांव गाइस। ये रोड नए गांव से माधोगंज के साइड में रोड जाती है। स्पीड तेरे जैसा। यहाँ पे एक पड़ता है गड्ढा, और यहाँ से अभी हम लोग वापस चलने वाले हैं, बिकॉज संदेवता अभी अपना बहुत तेज प्रकाश डाले, और हम चल रहे हैं अब इधर के साइड में वापस। गौसगंज से आराम है? अच्छा हाँ, कितनी दूर होगा गौसगंज यहाँ से? यहाँ 9 किलोमीटर होगा। अच्छा, लेकिन जब मैं इसको चलाता हूँ पता नहीं चलता मैं कितने किलोमीटर चल के आया, मैं 9-10 किलोमीटर चल के आ गया, देखो पता ही नहीं चला। हाँ भाई, तो बस अभी अपन फिर से आ गए नए गाँव वापस, और गाइस आपने देखा था वीडियो अपना गाइस, ताजी न्यूज गाइस, अमेजिंग वाले पीछे देखो गाइस हमारे, और इधर के मतलब हर साइड में। तो गाइस अभी हमें एक मेंबर मिलेगा, उनके साथ हम स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है? कितनी तक की स्पीड में हम लोग भगा पाते हैं यू नो स्पीड। ओके मेरे को बताना ठीक है अंकल? 40? वाओ अमेजिंग, मैं तो और भी ज्यादा खींच लू यार।
सो गाइस अभी हम लोग आ गए थे इस लोकेशन पे, और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पता होगा कि मैं वहां पे मतलब यू नो वो कर रहा था, स्पीड टेस्ट वगैरह कर रहा था। और गाइस अभी मैं खड़ा हूं इस गांव से आगे, और यहां पे अपना भाई कर रहा है स्केटिंग, जो कि न्यू मेंबर गाइस, और तो सही कर लेता भाई अपने जो छोटे वाले स्केट होते ना वो वाले करते था, और आज मैं बोला भाई करके दिखाओ, जब करवा के दिखाओ तो कर रहा है। एंड गाइस मैं सबसे खराब बात अब आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अपना कैमरा हो गया है गाइस डाउन, मतलब अपना कैमरा डाउन वगैरह हो गया है, तो आज का वीडियो यहीं तक, और अब मैं आई थिंक इसके आगे शूट भी नहीं करूंगा। और गाइस टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन आज गाइस हम लोग उस प्लेस पे आए, टाइम 6 बज गया है, ठीक है। और भाई अपना इधर स्केटिंग कर रहा है, बार बार गिर रहा है यार, काफी खराब लग रहा है मेरे को, बट कोई नहीं, अगर बंदे करते हैं ना तो जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कहीं और स्केटिंग करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, आप लोगों को कमेंट पे वीडियो वगैरह बनाते हुए। टेक केयर गाइस, बाय बाय।